दिल्ली में हर रोज जो सीवर निकलता है वो कई हजार लीटर्स में होता है और उसको कैसे निष्पादन किया जाए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। कई सारे झील जैसे कि ये हम दिखा रहे हैं संजय वन जो कि साउथ दिल्ली का एक बड़ा झील है, ये पूरी तरह से सीवेज ट्रीटेड वाटर यानी जो सीवर से निकलने वाला पानी है उससे बना हुआ है। यहां पर एक नई तकनीक अपनाई गई है, ये है एक तरीके से फ्लोटिंग आइलैंड बनाया गया है पौधों के साथ। दो तरह के पौधे लगाए गए हैं, अम्ब्रेला पाम और इसी तरीके से ये लाल और पीले फूल वाले पौधे भी यहां पर लगाए गए हैं। ये तकनीक नहीं है, जो कंपनी इसे चला रही है उसका कहना है कि ये जो पौधे ग्रो करते हैं बढ़ते हैं ये इस पानी को साफ करते हैं एक तरीके से और उसके बाद उसी से इनका पोषण होता है और उसी से बढ़ करके ये आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां मुश्किल भी है, मुश्किल ये है कि ये मार्च में लगाया गया था लेकिन तब से लेकर अब तक काफी पौधे सूख भी गए हैं और सूखने की एक वजह है कि जो सीवेज पानी का पानी होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो अब इसमें जरूरी पड़ रहा है कि आपको ऑक्सीजन और इसमें सप्लाई की जाए, साथ ही साथ बायो कल्चर ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ रही है। तो ये एक मुश्किल चुनौती है क्योंकि दिल्ली में सीवेज के पानी से कई सारे गार्डन में झील तो बना दिए गए लेकिन उसे साफ कैसे रखा जाए ये महत्वपूर्ण चुनौती थी। तो ये इस समय तकरीबन जो यहाँ पौधे लगाए गए हैं वो 600 प्लेटफॉर्म है और 4000 पौधे इस झील में लगाए गए हैं और इसे और भी बाकी जगहों पर इस प्रयोग को आगे बढ़ाने की योजना है। लेकिन दिखने में ये सुंदर जरूर लग रहा हो लेकिन ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा ये मुश्किल चुनौती इसलिए कि सीवेज की पानी को साफ तो करता है ये प्रयोग लेकिन साथ ही साथ इसमें ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई होनी चाहिए, बायोकल्चर मिलना चाहिए। तो ऐसे कितने प्रोजेक्ट सरकार कर पाएगी, दिल्ली जल बोर्ड का प्रोजेक्ट है, कितने प्रोजेक्ट आगे बढ़ा पाएगी, ये एक महत्वपूर्ण चुनौती, महत्वपूर्ण मुश्किल है।